ஜென்ஸ்க்கு தான் முதலிடமா தராங்க. அதே போல லேண்ட் பிரச்சனை, வாங்கினாலுமே புது லேண்ட் வாங்கினாலோ இது பண்ணாலுமே ஜென்ஸ் வேலை தான் வாங்குறாங்க, லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த உரிமையை கொடுக்கறது. பதினேழு வயசுல எனக்கு கல்யாணம் கொடுத்தாங்க. எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசை, இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசை. மேற்கொண்டு வந்து எனக்கு படிக்க போட முடியல, அவங்களால எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இதே நிலைமை பசங்களுக்கும் வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து என்னோட ஃபேமிலியை பாத்துக்கிறது வந்து நான் தான் பாத்துக்கிறேன். ஒருவேளை நான் ஆம்பளை பையனா பிறந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கூட பாத்துருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு இது இருக்கு. மகிழாவுக்கு எந்த பகத் அச்சா டேலண்ட் ஹே, महिलाएं काफ़ी अच्छा कुछ करना चाहती हैं, लेकिन थोड़ा सा कहा जाता है ना कि पुरुष प्रधान देश हमारे यहाँ है, तो महिलाएं किसी तरह से वो झिझक करती हैं, आगे खुलकर नहीं आना चाहती हैं। जब हम फील्ड में जाते थे, महिलाएं के हस्बैंड वगैरह बोलते थे कि तुम इस काम को नहीं कर सकती हो, तुम अपने घर के काम को संभालो, क्यों इसमें मतलब अपनी दिलचस्पी वगैरह रख रहे हो। कह लीजिए कि अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ बहुओं को पर्दा प्रथा के अंदर रखा जाता है। मेरी पढ़ाई 12वीं तक मेरे माता पिता द्वारा करवाई गई, लेकिन आगे चलकर आगे की पढ़ाई, जैसे कि हम लोग 5 भाई बहन थे, हमारे माता पिता का इतना बजट नहीं था कि हम वो सबको बराबर पढ़ा पाएँ, इसीलिए उन्होंने मुझे 12वीं के बाद ना पढ़ाने के लिए मना कर दिया, जिसके लिए मुझे खुद पढ़ने की इच्छा थी। इसके लिए मैंने अपने गाँव में ही जो स्कूलें थी प्राइवेट, उनमें अपनी शिक्षा के अनुसार 12वीं तक जैसे मैंने पढ़ाई की थी, उसके अनुसार मैंने LKG से लेकर 8वीं तक के बच्चों में पढ़ाना शुरू कर दिया, और उससे जो मुझे मंथली पेमेंट मिलती थी उससे मैंने अपना प्राइवेट एडमिशन करवाया कॉलेज में, और मैंने अपनी आगे की पढ़ाई उससे कंप्लीट की। இன்னால இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் வேலைக்கு போறேன் செய்றேன், என்னோட ஃபேமிலியே இப்போ நான் தான் கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கிறேன். वो हम लोगों को डोमिनेट करते थे और महिलाओं से हम लोगों को इंटरवेंशन नहीं करने देते थे, और उनके लिए कोई भी कार्य करने में हमको सहयोग नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोगों ने उस चीज को फेस किया और उसमें हम लोगों ने सफलता भी हासिल की। எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் வியாபாரம் பண்ணேன், எனக்கு பிடிச்ச பயிர்களை என் காட்டில நான் போட்டுக்கிட்டேன்।